सुख शांति प्राप्ति के योग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुख योगों के विषय में। मित्रों, जीवन काल के दौरान मकान की चाह, भूमि की चाह और सुख शांति की चाह सभी को जीवन काल में हुआ करती है, लेकिन कुंडली में किस प्रकार से आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन काल में सुख शांति के योग निर्मित होंगे अथवा नहीं। मकान के सुख, भूमि के सुख, वाहन के सुख, धन संपत्ति का सुख जीवन काल में किस प्रकार से रहेगा, इसे कुंडली में किस प्रकार से देखा जा सकता है, इन बातों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली में सुख योग को किस प्रकार से देखा जाता है, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं, परंतु सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कुंडली में लग्न भाव की स्थिति क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है, क्योंकि कुंडली में यदि लग्न भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और लग्नेश शुभ और बलवान होकर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि का होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बलवान होकर बैठा हुआ है तो ये एक प्लस पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि किसी भी योग का लाभ लेने के लिए कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आपको देखना होगा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा यदि केंद्र अथवा त्रिकोण के घरों में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि का होकर पर्याप्त अंश बल के साथ यदि बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत है तो ये दूसरी शुभ स्थिति कही जाएगी, यानी लग्न और लग्नेश के बाद आपको चंद्रमा की स्थिति देखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव की, क्योंकि यहीं से हम सुखों का विचार करते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव को मात्र सुख भाव भी कहा जाता है और इसके अलावा सुखेश भी, इसे सुख भाव भी इसे कहा जाता है। अब चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है चतुर्थेश, यानी सुखेश कहा जाता है। ठीक है, अब इसे किस प्रकार से देखेंगे इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं, सूत्रों के माध्यम से चीजों को जानेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव से आखिर देखा क्या जाता है। तो देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो कुंडली के चतुर्थ भाव से घर का सुख देखते हैं हम, माता का सुख का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन के सुखों का विचार करते हैं, नौकर चाकर का सुख जीवन काल में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका विचार करते हैं, माध्यमिक शिक्षा का विचार करते हैं, हमें जीवन काल में जनता का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा और सभी प्रकार के सुख और दुखों का विचार मूलतः कुंडली के चतुर्थ भाव से ही हम करते हैं। स्थायी संपत्ति का विचार करना हो या परोपकार के कार्यों का विचार करना हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव इसके लिए देखा जाना चाहिए। तो चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रह स्थित हो तो चतुर्थ भाव मजबूत कहा जाएगा। हालांकि अभी हम सूत्रों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक सूत्र के आधार पर तय ना करें, सारी बातों को समग्र रूप से देखने के बाद ही आप ये तय करें कि सुख जीवन काल में किस प्रकार से रहेगा। आइए सूत्रों के माध्यम से चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जिन बातों पर हमने विचार किया उन पर विचार करने के बाद आप ये देखें कि यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और चतुर्थेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बलवान होकर बैठ जाए तो ये काफी शुभ स्थिति कही जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जातक के जीवन काल में सुख होगा और जातक अपने जीवन में सुखी रहेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं चंद्र ग्रह, जो कि बलवान होकर अपनी ही राशि यानी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि जातक का जीवन सुखी रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी पापक ग्रह का प्रभाव जैसे शनि, राहु, केतु या किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव कुंडली के चतुर्थ भाव पर नहीं होना चाहिए। हाँ, शुभ ग्रहों का प्रभाव जैसे कि शुभ चंद्रमा, इसके अलावा शुभ बुध या फिर शुक्र का प्रभाव अथवा गुरु का प्रभाव कुंडली के चतुर्थ भाव पर हो सकता है। मित्रों, दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली का चतुर्थ भाव पाप रहित हो, शुभ प्रभाव से युक्त हो सकता है, यानी शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युक्त हो सकता है और चतुर्थेश की दृष्टि यदि अपने ही घर पर पड़ जाए तो ये काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि जातक का जीवन सुखी होगा और जातक अपने जीवन में पर्याप्त सुख भोग कर पाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख, संपत्ति का सुख, माता का सुख, यानी घर से संबंधित सुखों का विचार जब भी करना हो तो कहा जा सकता है कि जातक का जीवन काल सुखी होगा। ध्यान रखिएगा कि लग्न और लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। इस कुंडली की बात करें तो यह है एक कुंभ लग्न की कुंडली। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 2 अर्थात वृषभ राशि है और शुक्र ग्रह कुंडली के दशम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अपनी सातवीं दृष्टि से अपने ही घर यानी चतुर्थ घर को देख रहे हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि जातक के जीवन काल में सुख अच्छा रहेगा, घरेलू सुख अच्छा रहेगा।
हालांकि इसके लिए आपको ये देखना होगा कि चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव न हो, लग्न और लग्नेश मजबूत हो और चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए चंद्रमा यदि प्रभावित होते हैं तो चंद्रमा है जातक के मन, और जातक का मन प्रभावित होने के कारण चाहे भले ही फिर जीवन काल में कितनी प्रकार के सुख हो तो उनका सुख भोग जातक जीवन काल में नहीं कर पाता। यदि लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को उन सुखों का लाभ नहीं मिल पाता, या सुख होते भी हैं तो वह उनका सुख भोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। आइए तीसरे सूत्र के माध्यम से चीजों को और विस्तार देते हैं। मित्रों तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के चतुर्थेश ग्रह को गुरु ग्रह देखे तो ऐसी स्थिति में भी जातक का जीवन काल सामान्यतः सुखी रहता है, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको चतुर्भाव और चतुर्थेश की स्थिति पर विचार जरूर करना है कि चतुर्थेश कुंडली में शुभ हो, यानी शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हो और पीड़ित नहीं हो रहा हो, मित्र क्षेत्रीय या स्वक्षेत्रीय होकर केंद्र या त्रिकोण में या धन भाव या लाभ भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जातक का जीवन काल सुखी रहेगा सामान्यतः। हालांकि जिन बातों की चर्चा हम कर चुके हैं उन पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। इस कुंडली में मैंने यहाँ पर एक सिंह लग्न की एक कुंडली ली हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में कुंडली के चतुर्थ भाव में आता है राशि कंक 8 अर्थात वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने मंगल। अब मंगल ग्रह बैठे हैं धन भाव में, ठीक है। गुरु ग्रह की बात करें तो कुंडली के दशम भाव में ये बैठे हुए हैं। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जा रही है, यानी चतुर्थेश पर जा रही है। इनकी सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी जा रही है, तो अतः कहा जा सकता है कि जातक का जीवन काल सुखी होगा। मात्र सुख भूमि भवन वाहन का सुख जातक को जीवन काल में अच्छा मिलेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। संभावनाएं इसलिए क्योंकि हमें अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी जांचना होगा कि कहीं राहु केतु या शनि का प्रभाव तो कुंडली के चतुर्भाव पर नहीं पड़ रहा है, और क्या चतुर्भाव किसी पापक ग्रहों के द्वारा तो घिरा तो नहीं हुआ है, और चंद्रमा की स्थिति पर विचार करें तभी हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जातक का जीवन काल सुखी होगा अथवा किस हद तक सुखी होगा। मित्रों सुख योग से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली का चतुर्थेश ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर अथवा युत होकर केंद्र त्रिकोण में या फिर लाभ भाव में या धन भाव में बैठे हुए हों और चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में चतुर्थ भाव हो सकता है, इसके अलावा चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और लग्न और लग्नेश मजबूत हो, तो कहा जा सकता है कि जातक का जीवन सुखी होगा सामान्यतः, ऐसा हम मान सकते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए वृषभ लग्न की कुंडली यहाँ पर मैंने ली हुई है। आप देख सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में चतुर्भाव में राशि का अंक आ रहा है 5, यानी सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने सूर्य। अब सूर्य ग्रह गुरु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ भाव में, यानी गुरु और सूर्य दोनों कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, अतः कहा जा सकता है कि जातक अपने जीवन काल में पर्याप्त उन्नति दर्ज करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख भोगेगा और इसके अलावा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। हालांकि लग्न और लग्नेश को चेक करें और चंद्रमा को चेक करें, चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों को चेक करें, इसके बाद ही आप ये तय कर सकते हैं कि जीवन काल कितना सुखी होगा। क्योंकि एक ग्रह के आधार पर यह तय करना काफी मुश्किल है कि सुखों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। संपूर्ण बात ने जैसे कि चतुर्भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ उसके स्वामी की स्थिति देखें, चतुर्भाव में कारक ग्रहों की स्थिति देखें, इसके अलावा चतुर्भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और चतुर्थेश का बल क्या है और चतुर्थेश किन ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो रहा है, इन बातों को ध्यान रखने के बाद ही कहा जा सकता है कि वास्तविक रिजल्ट किस प्रकार के होंगे। मित्रों इसके अलावा भी कई प्रकार के सूत्र हो सकते हैं, कई और बातों पर विचार किया जा सकता है सुख योग के लिए, जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।